इस वीडियो में आप कनोला वाश करने का तरीका देखेंगे इसके लिए आपको थ्री सी सी सरिंज चाहिए या फाइव सी सी सरिज नार्मल स्लाइन या आपका डिजिटल वाटर जो वाटर फार इंजेक्शन होता है वो चाहिए सरिज को आपने खोल लेना है और नीडल को आपने टाइट कर लेना है अगर आपके पास नॉर्मल सलाइन है तो नॉर्मल सलाइन यूज़ कर लें अगर आपके पास डिजिटल वाटर है तो डिजिटल वाटर यूज़ कर लें आपने टू टू थ्री सी सी डिजिटल वाटर या नारमस लाइन लेना है ये आप इसमें देख लें कि टू टू थ्री सी सी ये टोटल टू पॉइंट फाइव एम एल की सरिंज है तो मैं इसमें से टू सी सी जो है नॉर्मस लाइन ले रहा हूँ आप नार्मस लाइन ले लें ले या डिजिटल वाटर ले लें इसमें से एयर निकाल दें आप ताकि एयर ना जाए कैनोला में और इसको टाइट कर लें नीडल को नीडल उतार लें और नीडल उतार के जो फर्स्ट वाली पोर्ट है उसमें से आप पुश करेंगे तो आपको थोड़ा सा तेज़ी से पुश करना होगा ताकि इजीली जो है पास हो जाए ये आप देख सकते हैं आपने थोड़ा सा जोर लगा के पुश करना है ताकि जो भी आगे क्लाट है वो आपका क्लियर हो जाए एक ये पोर्ट है अगर आपको इस पोर्ट पे से मुश्किल होती है तो आपने नीचे वाली पोर्ट ये वाली पोर्ट जो है आपने इसको ओपन कर लेना है और जब ये कैनला ब्लॉक होगा तो ब्लड नहीं आएगा आपने इसको फिक्स करना है और इसमें से पुश कर देना है ये अगर ज़्यादा जोर लगाए तो आपने ज़्यादा तेज़ी से पुश करना है एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कैनोला वाश करते वक्त अगर गिल्टी बने या बहुत ज़्यादा रेडनेस है तो आप कैनोला को वाश ना करें मज़ीद कैनोला वाश करने के बाद आप इंजेक्शन फ़ौर दे दें दे या आपने ड्रिप अटैच करनी है तो आप ड्रिप को अटैच कर दें ताकि कैनोला दोबारा ब्ला ना हो जल्दी